एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जो भी स्ट्रिंग में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने लास्ट लेक्चर्स में हम इन थ्री फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है, एक अरे में जो भी स्ट्रिंग होती है वो दूसरे अरे में कॉपी कर देता है। strcpy कॉपी फंक्शन, राइट, नाम से ही क्लियर है। ये क्या करता है, जो एक अरे में स्ट्रिंग होती है वो दूसरे अरे में क्या करता है, कॉपी कर देता है। तो जैसे ar अरे में abc यहां पर स्ट्रिंग है, तो अगर हम ये स्ट्रिंग जो इस अरे में है उसको arr अरे में कॉपी करना चाहें तो हम ऐसा इस फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं, राइट। कॉपी का मतलब होता है जो स्ट्रिंग इस ar अरे में है वही स्ट्रिंग इस अरे में भी आ जाएगी, ओके। और ये बैक स्लैश जीरो लास्ट में ऐड हो जाता है। इस अरे को आप यहां पर ना देखें, इन दोनों अरे को आपको देखना है, राइट, ये वाले अरे को। तो अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग जो कि एक अरे में है वो दूसरे अरे में कॉपी हो जाए तो हम इस strcpy फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जब हम strcpy फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसमें एज आर्गुमेंट दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट वो पास करते हैं जिस अरे में आपको कॉपी कराना होता है उस अरे का बेस एड्रेस, राइट। अरे का सिर्फ नाम लिखना अरे की बेस एड्रेस लिखने के बराबर होता है। तो जिस अरे में कॉपी हम करना चाहते हैं उस अरे का बेस एड्रेस पास करते हैं। यहां पर हम इस arr अरे में कॉपी करना चाहते हैं इसलिए हमने arr लिखा है। फिर हमें वो सोर्स अरे का एड्रेस, किस अरे से आप स्ट्रिंग कॉपी करना चाहते हैं, तो जो ar नाम का अरे है उसमें जो स्ट्रिंग है उसको हम कॉपी करना चाहते हैं। तो इसमें हम एज आर्गुमेंट दो आर्गुमेंट्स पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट्स टारगेट अरे का एड्रेस होता है जबकि दूसरा आर्गुमेंट्स सोर्स अरे का एड्रेस होता है, राइट। तो ये आप याद रखें। और ये फंक्शन strcpy फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसका रिटर्न टाइप वर्ड होता है, राइट। और आप यहां पर देखें कि जब स्ट्रिंग कॉपी होती है तो कॉपी होने के बाद जो बैक स्लैश जीरो होता है जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर, और इसके आस्की कोड जीरो होता है। इसका आस्की कोड जीरो होता है, ये याद रखना बहुत बड़ी बात है, आप याद रख लें। स्ट्रिंग जब हम आगे डील करेंगे तो इसका काम आने वाला है। तो अब अगर हम इसके कोडिंग की बात करें तो देखिए मैं क्या करूंगा, मुझे दो अरे बनाना पड़ेगा, एक arr नाम से, और इसमें मान लीजिए हमने स्ट्रिंग रखी है संदीप इस तरह से। मुझे एक और कैर अरे बनाना है, ओके। एग्जांपल में मैंने यहां पर ar लिया था और यहां पर arr लिया था, और मान लीजिए वो स्ट्रिंग हमें इस arr नाम के अरे में क्या करना है, कॉपी करनी है। तो मैं क्या करूंगा, strcpy फंक्शन को कॉल करूंगा, किस अरे में कॉपी करनी है उसका बेस एड्रेस, कौन से अरे से कॉपी करनी है उसका बेस एड्रेस पास करना है। तो ये जब strcpy फंक्शन चला होगा तो क्या हुआ होगा, ये संदीप नाम की स्ट्रिंग जो ar नाम के अरे में है इस सेकेंड वाले अरे में कॉपी हो गई होगी, राइट। तो अब हमें अगर प्रूव करना है कॉपी हुई हुई कि नहीं तो हम पुट्स का यूज करके जो arr नाम के अरे में जो स्ट्रिंग है उसको हम प्रिंट कर देंगे। यहां पर हम पुट्स का यूज कर सकते हैं, हम प्रिंटअप का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंटअप का यूज करेंगे तो हमें वहां पर कंट्रोल स्ट्रिंग % s लगा के उसे प्रिंट करना पड़ेगा, लेकिन उससे बेटर तरीका हमारे पास है पुट्स। तो इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए गेट्स और पुट्स के बारे में नहीं पता है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप वॉच कर लीजिए। ये जो दोनों गेट्स और पुट्स फंक्शन होते हैं ये स्ट्रिंग को इनपुट और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए ही बने होते हैं, राइट। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करूं तो जो संदीप नाम की स्ट्रिंग थी ar नाम के अरे में वो यहां पर प्रिंट हो जा रही है, राइट। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो स्ट्रिंग ये संदीप इस अरे में थी पहले अरे में वो दूसरे अरे में कॉपी हो गई है, क्योंकि हमने यहां पर दूसरे अरे में जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराया है, राइट। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया हो। और जितने भी हमारे पास
स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उन सबको बारी बारी से हम पढ़ने वाले हैं और बाद में उनकी हम डिफिनेशन भी लिखेंगे। डिफिनेशन से हमारा मतलब है, देखिए कि यहाँ पर हमने strcpy फंक्शन को कॉल किया है। डिक्लेरेशन तो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में है, लेकिन डिफिनेशन हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, इसकी डिफिनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने आगे के वीडियोज में स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की खुद कोडिंग लिखने वाले हैं और वहां पर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, इस स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इस फंक्शन की कोडिंग हम खुद लिखने वाले हैं। तो फंक्शन की हम जैसे हम फंक्शन जानते हैं, हम फंक्शन की डिफिनेशन लिखते हैं, फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आई थिंक आपको ये समझ आया हो, एंड थैंक यू सो मच।